Let's continue our chapter, that is the third topic of this chapter, Socialism in Europe and the Russian Revolution. The third topic is the February Revolution in Petrograd. The February Revolution in Petrograd. Petrograd में फरवरी क्रांति, ठीक है, पेट्रोग्राड और इसमें क्या है चैप्टर, कंडीशन क्या थी कैपिटल में, पेट्रोग्राड वर्क में अगर आप देखें 1917 के विंटर में जो कैपिटल थी पेट्रोग्राड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पेट्रोग्राड की हालत क्या थी, बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। देन द ले आउट ऑफ द सिटी, द ले आउट ऑफ द सिटी, जो ले आउट था सिटी का, सीम टू एम्फेसाइज द डिविजन अमंग इट्स पीपल। ले आउट ऑफ द जो सिटी था सीम टू एम्फेसाइज, उसमें ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई हो, ठीक है। जो ले आउट सिटी का बनाया गया था वो एम्फेसाइज क्या करता था, वो एम्फेसाइज करता था द डिविजन अमंग इट्स पीपल, वो एम्फेसाइज क्या करता था, डिविजन अमंग द पीपल, ठीक है। मतलब इतना डिवीज़न था अमंग द पीपल में, फिर भी उसका जो लेआउट था उससे सब लोग क्या करते थे, वो एक साथ रहते थे, उसने मतलब सबका ध्यान में रखकर इस चीज़ को बनाया। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर, द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज, जो वर्कर्स थे वो क्वार्टर एंड फैक्ट्री जो लोकेटेड थी वह लोकेटेड थे, मतलब रीवा रिवर के बैंक पर जो क्वार्टर्स और फैक्ट्री लोकेटेड थी, ठीक है। रीवा नदी के किनारे जो फैक्ट्रीज थी और जो बिल्डिंग्स थी, फैक्ट्रीज और जो क्वार्टर्स थे वो लोकेटेड थे, और आप कह सकते हो राइट बैंक ऑफ, मतलब रिवर जो था उसका राइट बैंक ऑफ द रिवर, राइट साइड था, एंड उसका क्या था, राइट साइड था, दैट जो मजदूरों के, जो लेबर के क्वार्टर और कारखाने थे वो नेवा नदी के राइट बैंक पर थे, रेवा नदी के कहाँ पे थे, राइट बैंक पर थे, और जो लेफ्ट बैंक पे क्या था, लेफ्ट बैंक वो थी फैशनेबल एरिया, जो लेफ्ट बैंक पे क्या था, लेफ्ट बैंक में फैशनेबल एरियाज थे, लेफ्ट बैंक में कौन से एरियाज थे, फैशनेबल एरियाज थे। दैट इज द विंटर पैलेस, द ऑफिस बिल्डिंग इंक्लूडिंग द पैलेस Where the Duma met. Left bank side pe, left bank side pe kya tha, ki अगर आप देखें और लेफ्ट किनारों पर क्या था, फैशनेबल
इलाके थे फैशनेबल एरियाज के, और द विंटर पैलेस था फैशनेबल एरियाज थे, विंटर पैलेस था और सरकारी इमारतें थी, विंटर पैलेस और ऑफिशियल बिल्डिंग थी, विंटर पैलेस एंड ऑफिशियल बिल्डिंग थी दैट द ऑफिशियल बिल्डिंग थी इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द ड्यूमा में, और इसमें क्या इंक्लूड किया गया था, इसमें ड्यूमा की जो बैठक होती थी वो भी इसी तरफ था, और जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वो भी किस तरफ था, वो भी इसी महल में था, इसी तरफ था, वो भी इसी तरफ रखा गया था। एंड That in February 1917, food storages were deeply felt in the workers' quarters. In February 1917 में क्या हुआ था, जो food storage जो food storages किए जा रहे थे वो deeply felt, उसे deeply felt क्या हो रहा था, मतलब फरवरी में मजदूरों के इलाकों में जो फूड स्टोरेज की भारी कमी पैदा हो गई थी, क्या हुआ था, भारी कमी पैदा हो गई थी। एंड भारी कमी पैदा हो गई थी That food shortage हो गया था ना, in February 1917 में food shortage हो गया था, वो deeply felt, मतलब workers के quarters में बहुत ज़्यादा ही food shortage हो गया था। The winter was very cold, और winter क्या था, बहुत ही ज़्यादा cold था। There had been exceptional frost, जो winter था वो बहुत ज़्यादा ही कोल्ड था, मतलब बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई थी, और यहाँ पे क्या था, एक एक्सेप्शनल केस था दैट ठीक है कोल्ड था एक्सेप्शनल, आप कह सकते हो इतना ज़्यादा बर्फबारी हो गई थी कि स्नो हैवी स्नो गिर रहे थे, ठीक है, देयर हैड बीन, मतलब काफ़ी लोग जम गए थे, और मतलब इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी कि बर्फ भी पूरी तरह से जम गई, बर्फ भी पूरी तरह से क्या हो गई थी, जम गई थी। हाँ बर्फ भी पूरी तरह से जम गई थी। हाँ फिर क्या किया गया कि द पार्लियामेंट्रीज विशिंग टू, जो पार्लियामेंट्रीज थे उनमें क्या किया गया, विशिंग टू, वो लोग क्या विश कर रहे थे, पार्लियामेंट्री विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री विश कर रहे थे कि हम इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रिजर्व कर पाए, इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या कर पाए, प्रिजर्व कर पाए। वर अपोज टू दी सार डिजायर टू बर्न दी डूमा, ठीक है, वर अपोज टू दी सार डिजायर टू डिजॉल्व दी डूमा, डिजायर टू डिजॉल्व दी डूमा। इसमें क्या कहा गया था कि जितने भी संसदीय प्रतिनिधि क्या चाहते थे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बची है इसलिए वो जार द्वारा डूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विद्रोह कर रहे थे। उन्होंने कहा ये जो पार्लियामेंट क्या विश कर रही थी कि वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको प्रिजर्व करना चाहती थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या करना चाहती थी, वो प्रिजर्व करना चाहती थी, और वह अपोज टू द सार डिजायर टू डिजॉल्व द यूनियन, ठीक है, एक तरह से वो उसको मतलब प्रिजर्व करना चाहती थी, और वो क्या किसका अपोज करना चाहती थी, सार डिजायर्स का अपोज करना चाहती थी।
ठीक है, वो क्या करना चाहते थे बोलो, कि भीमा को डिसॉल्व करना चाहते थे। भीमा को क्या करना चाहते थे, डिसॉल्व करना चाहते। ऑन फरवरी 22 में क्या हुआ था कि दैट ऑन फरवरी 22 अ लॉकआउट टू प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट प्लान। फरवरी 22 में क्या हुआ था, एक लॉकआउट टू प्लेस हुआ था। फैक्ट्री कौन सी साइड थी, राइट साइड थी, तो वहाँ पे लॉकआउट चीज हुई थी। दैट लॉकआउट किया गया था एक फैक्ट्री में, क्या किया गया था, लॉक मतलब वहाँ पर तालाबंदी कर दी गई थी। वहाँ पे क्या किया गया था, तालाबंदी कर दी गई थी। एंड तालाबंदी कर दी गई फरवरी 22 को, और लॉकआउट टू प्लेस हुआ था फैक्ट्री में, राइट बैक में, मतलब वहाँ पे क्या किया गया था, ताला बंद कर दिया गया था। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्री, और नेक्स्ट डे क्या हुआ था, जो वर्कर्स थे 50 फैक्ट्रीज में, कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी, सबने सिंपैथी दिखाने के लिए जो नेक्स्ट 50 इंडस्ट्रीज में वर्कर्स थे सबने क्या बुला लिया, स्ट्राइक पे सपोर्ट चाहिए। जितने भी 50 फैक्ट्रीज में जितने भी लोग वर्क करते थे सब लोग कहाँ पे चले आए थे, सब लोग स्ट्राइक पे चले आए थे, क्योंकि 22 फरवरी को उन्होंने क्या किया था, लॉकआउट लगा दिया था। 22 फरवरी को उन्होंने लॉकआउट लगा दिया था। Demonstrating workers crossed from the factory quarter to the center of the capital. जो demonstrating थे क्या क्या था, जो demonstrating workers थे वो crossed करते थे factory quarter from the factory quarter to the center of the capital. The Nevsky Prospect, the Nevsky Prospect. Or at this stage, no political party was actively organizing the movement. No political party actively organizing the movement. Organizing the movement. कोई भी political party this time कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी मूवमेंट को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दिस टाइम कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी मूवमेंट को। दैट हड़ताल को औरतें लीड कर रही थी, हड़ताल को औरतें लीड कर रही थी, हड़ताल को कौन लीड कर रहा था, हड़ताल को औरतें लीड करने लग रही थी। आफ्टर दैट क्या हुआ था, जब औरतें उसे लीड कर रही थी
तो इस दिन के बाद से इसे क्या कह दिया गया था, इंटरनेशनल वुमेन डे का नाम दे दिया गया, क्योंकि हड़ताल में औरतें सबसे ज़्यादा आगे थीं, तो उन्हें इंटरनेशनल वुमेन डे के का नाम दे दिया गया। इस दिन से ही इंटरनेशनल वुमेन डे का नाम दे दिया गया था। हाँ, आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेत्सिकी प्रॉस्पेक्ट तक आ गए। ठीक है, ये जो आंदोलन, ये जो स्ट्राइक कर रहे थे, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्कर थे, उन्होंने फैक्ट्री के क्वार्टर को क्रॉस किया और वो कैपिटल की सेंटर पर आ गए। कैपिटल की सेंटर क्या थी? नेत्सिकी प्रॉस्पेक्ट पर आ गए। इस समय तक कोई पॉलिटिकल पार्टी भी मूवमेंट को सक्रिय रूप से गठित और संचालित नहीं कर रही थी। इस समय कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही थी? इस मूवमेंट को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। आज दैट सपोर्ट नहीं कर रही थी। आज दी फैशनेबल क्वार्टर एंड ऑफिशियल बिल्डिंग वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, द गवर्नमेंट इम्पोज अ कर्फ्यू। क्या किया था ये जो वर्कर्स थे, उन्होंने फैशनेबल क्वार्टर्स को और जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स थे उसको चारों तरफ से घेर लिया था, और उसको क्या किया था, चारों तरफ से घेर लिया था। ठीक है, चारों तरफ से उन्होंने उसको घेर लिया था। एंड द गवर्नमेंट इम्पोज अ कर्फ्यू, और गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने बचाने के लिए कर्फ्यू लगा दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया। एंड गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शन, कर्फ्यू लगाने के बाद क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटर डिस्प्रेस बाय द इवनिंग। कर्फ्यू के बाद क्या हुआ, जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर थे वो डिस्प्रेड हो गए, वो बढ़ गए, बाय द इवनिंग में वो बढ़ गए। आज बट दे केम बैक ऑन दी 24th and 25th। क्या हुआ कि वो शाम तक जब कर्फ्यू लगा तो सब लोग एक एक ग्रुप में बढ़ गए, लेकिन 24 और 25 डेट को वो फिर से क्या हुए, वो फिर से इकट्ठा हो गए। 24 और 25 को वो क्या हुआ, फिर से इकट्ठा हो गए। एंड और सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी, मतलब गवर्नमेंट ने कैवलरी और पुलिस को बुलाया और कहा कि आप लोग अपनी आय को उन पर, मतलब अपनी दर्दों को उनसे नहीं मटाएंगे। ठीक है, अपनी आय को उन पर रखेंगे, अपनी नज़रों को नहीं हटाएंगे, अपनी नज़रों को क्या नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं। आज ऑन संडे 25th February, संडे को क्या हुआ था, 25th February को द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द जुमा। 25th February को सरकार ने जुमा को बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, गवर्नमेंट ने जुमा को क्या किया था, सस्पेंड कर दिया था। एंड गवर्नमेंट ने जुमा को सस्पेंड कर दिया था। एंड पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर, जो पॉलिटिशियन थे वो मतलब मेजर के बारे में स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर बोल रहे थे, और डेमोन्स्ट्रेटर जो भी मेजर लिया गया था सब पॉलिटिशियन उसके अगेंस्ट थे, और डेमोन्स्ट्रेशन रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट और द लेफ्ट बैक ऑन 26th January। और क्या किया गया था कि डेमोन्स्ट्रेशन जो आंदोलनकारी थे वो 26th February को पूरे फोर्स के साथ स्ट्रीट पर आ गए। पूरे फोर्स के साथ वो कहाँ पर आ गए, स्ट्रीट पर आ गए।
ओनली 27, अगर आप 27 की बात करें तो ओनली 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स रैंक है, ठीक है। ओनली 27 को क्या हुआ था, 27 को क्या हुआ था जो कॉलोनी शिफ्ट, द पुलिस हेडक्वार्टर्स रैंक है, द पुलिस हेडक्वार्टर्स रैंक है हुआ एंड द जी टॉन विद पीपल राइजिंग रेलवे स्लोगन अबाउट द ब्रेड वेजेस बेटर आर एंड डेमोक्रेसी डेमो। क्या किया था इन लोगों ने, ये लैडर संडे 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, सरकार ने जिसको सस्पेंड कर दिया था ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, सरकार के फैसले के खिलाफ पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो बयान देने लग गए थे, सरकार के इस फैसले के खिलाफ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो लोग क्या कर रहे थे, इस पर सजेशन देने लग गए थे, इस पर वो लोग सजेशन दे रहे थे। देन एंड 26th को क्या हुआ, जितने भी प्रदर्शनकारी थे बहुत मतलब जो डिमोन्स्ट्रेशन थे वो कहाँ पे पहुँच गए थे, वो मतलब स्ट्रीट पे पहुँच गए थे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो स्ट्रीट थी तक के इलाके में इकट्ठा हो गए थे, लेफ्ट साइड के स्ट्रीट में और वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। एंड 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया, 27 को क्या हुआ कि उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करकर पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया, ठीक है। 27 को पुलिस हेडक्वार्टर पर उन लोगों ने हमला किया और पूरी तरह से उसे तहस नहस कर दिया। एंड
कर दिया था, लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया था हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल दी सिचुएशन, जो गवर्नमेंट थी वो ट्राई कर रही थी कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, बट एंड हॉल्ट आवर कैवलरी गन अगेन। गवर्नमेंट ने कोशिश की कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, इससे उन्होंने दोबारा किसको बना बुला लिया, कैवलरी जो घुड़सवार होते थे उसको उसने बुलाया, उसको गवर्नमेंट ने बुलाया। जो घुड़सवार थे उसको फिर से एक बार बुलाया। हाउ एवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर, जो कैवलरी थे, जो कैवलरी थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया उनमें फायर करने थे, किस पे, डेमोन्स्ट्रेटर पे जो प्रदर्शन कर रहे थे उस पे फायर करने से कैवलरी ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटर्स पर फायर करने से मना कर दिया। एंड ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक ऑफ द रेजिमेंट एंड थ्री अदर रेजिमेंट म्यूटिनाइड वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर। एंड बाय द इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर हैड गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल इन द प्लेन बिल्डिंग द ड्यूना मेट एट द ड्यूना मेट दैट वॉज द पेट्रोगैन सोविजिट। इसमें क्या कहा, जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने, सोल्जर्स ने डेमोन्स्ट्रेशन पर गोलियां चलाने से मना कर दिया। सोल्जर्स ने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेशन पर गोलियां चलाने से मना कर दिया। और जब गुस्साए सोल्जर्स थे एक रेजिमेंट की बैग में अपने एक एफसर पर गोली चला दी, और जो सैनिक सब गुस्साए थे, जो सोल्जर गुस्साए थे, उसने अपने ही रेजिमेंट के एक ऑफिसर पर क्या किया, गोली चला दी। अपने ही रेजिमेंट के एक ऑफिसर पर क्या किया, उन्होंने गोली चला दी। तीन दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी, और आप कह सकते हो जो दूसरी रेजिमेंट तीन रेजिमेंट्स और थी उन लोगों ने भी बगावत कर दी, और उन्होंने कहा ये जो हड़ताल का ये जो डेमोन्स्ट्रेशन मजदूर के साथ हम काम लेंगे, और उन्होंने कहा कि डेमोन्स्ट्रेशन मजदूर के साथ लोग आकर मिल गए। और उस शाम को क्या हुआ था, उस शाम को सोल्जर और मजदूर एक सोवियत या काउंसिल का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी, यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म। और उस साल में क्या हुआ था, जो भी सिपाही किया या मान सकते हो उस शाम को सिपाही मजदूर थे, उन्होंने एक सोवियत या एक परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहाँ अब तक वे ड्यूमा की असेंबली करते थे। अब तक वो वहाँ पर जहाँ पर ड्यूमा की असेंबली की जाती थी वो वहाँ पर क्या हुए, इकट्ठा हो। एंड
यहीं से पेट्रोगाद सोवियत का जन्म हुआ था। और यहीं से क्या हुआ था, जो पेट्रोगाद सोवियत थी, द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन से ही पेट्रोगाद सोवियत का जन्म हुआ था। इस काउंसिल का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। एंड दैट नेक्स्ट टॉपिक इज द वेरी नेक्स्ट डे। अगर हम बात करें तो वेरी नेक्स्ट डे क्या हुआ था, अ डेलीगेशन वेंट टू सी द। और दूसरे दिन ही क्या हुआ, जो डेलीगेशन थे वो किससे मिलने गए थे, जार से मिलने चले गए। जो डेलीगेशन थे वो जार से मिलने चले गए थे। और जो मिलिट्री कमांडर थे एडवाइस हिम टू एविडिटी, जो मिलिट्री कमांडर थे उन्हें एडवाइस कर रहे थे कि हिम टू एब्डिकेट, वो एडवाइस कर रहे थे एब्डिकेट के लिए। ही फॉलो देयर एडवाइस, उसने उनके एडवाइस को फॉलो की। एंड एब्डिक्टेड ऑन सेकेंड मार्च, और एब्डिक्टेड कब हुए, सेकेंड मार्च। सोवियत लीडर एंड ड्यूमा लीडर फॉर्म अ प्रोविजनल गवर्नमेंट। सोवियत लीडर और सोवियत लीडर, सोवियत लीडर और जो ड्यूमा लीडर थे वो फॉर्म क्या कर रहे थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहे थे। He followed their advice and abdicated on second month. Soviet leader and Duma leader formed a provisional government to run the country. Then Russian future would be decided by the Constituent Assembly. जो रशियन था उनका फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा, वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो कहाँ पे डिसाइड होता था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिसाइड होता था। और इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, और इलेक्टेड होते थे ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब एडल्ट सफ्रेज, एडल्ट सफ्रेज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स की क्या, 18 बार तो आपको वोटिंग का हक, 18 आपने पार नहीं की तो आपको। इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, एंड पेट्रोग्राद हैज लेड द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917। और पेट्रोगेट ने क्या लीड किया है, लीड पेट्रोगेट को कौन लीड कर रहा था, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन लीड कर रही थी। पेट्रोगेट को कौन लीड कर रहा था, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। और दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की, और वो क्या करेगी, उसने मोनार्की को बिल्कुल डाउन कर दिया था इन फैब्रुअरी 1917। इन फैब्रुअरी 1917 ब्रॉड डाउन दी मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917। ब्रॉड डाउन दी मोनार्की इन 1917 में वो लोग मोनार्की ब्रॉड हुई थी। एंड लीड करते जाते। अगले दिन क्या हुआ था कि जार से मिलने आए जितने भी डेलीगेट्स थे, अगले दिन एक डेलीगेट जार से मिलने गया, सरकार से, ठीक है, जार से। एंड जो सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वो राजगद्दी छोड़े, और जो सैनिक के कमांडर थे उन्होंने किसको सलाह दी थी, उन्होंने जार को सलाह दी कि आप राजगद्दी छोड़ दीजिए। उन्होंने किसको सलाह दी, जार को सलाह दी कि आप राजगद्दी छोड़ दीजिए।
सोवियत और ड्यूमा के राजनेताओं ने देश का शासन ठीक है उनसे कहा कि आप राजगद्दी को जिस पे आप राजा बन के बैठे हो उस चीज़ को आप लेफ्ट कर दो छोड़ दो और उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। उसने क्या किया कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और डूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक आंतरिक सरकार बना ली। सोवियत और उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को उसने गद्दी को छोड़ दिया और सोवियत और ड्यूमा के नेता ने देश के शासन चलाने के लिए देश का शासन चलाने के लिए एक आंतरिम सरकार बना ली और देश के शासन को चलाने के लिए एक इंटरनल गवर्नमेंट बना ली थी। रात तय किया गया कि रूस के फ्यूचर के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दिया और मतलब ये तय किया गया कि रूस में फ्यूचर में कौन डिसीजन लेगा रूस में फ्यूचर में उसके डिसीजन में या वो क्वेश्चन आंसर मतलब रूस उसके डिसीजन में कौन आएगा एंड दैट तय किया गया कि रूस के फ्यूचर में फैसले लेने की जिम्मेदारी किसकी है सिर्फ पार्लियामेंट सभा को सौंप दिया जाए और उनका चुनाव क्या था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार में हो किया जाए। ठीक है संविधान सभा को सौंप दिया गया और उनका जो वो जो वोटिंग था वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर था और फरवरी 1970 में राजधानी की गद्दी में से हटने वाले क्रांतिकारी झंडा पेट्रोनाथ की जनता के हाथों में था। क्या हुआ था जनरली अगर आप देखें तो जनरली क्या किया गया था कि फरवरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर की डिसीजन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी पार्लियामेंट को दे दिया गया था पार्लियामेंट से ही और उसका जो वोटिंग था वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बाद के आधार पर किया जाए मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस चीज़ को वोट दे उसका वोटिंग के हक के बारे में पूछा गया और फरवरी 1917 में क्या हुआ राजशाही को गद्दी से हटाने वाले क्रांति का झंडा पेट्रोनाथ की जनता के हाथों में आप कह सकते हो 1917 में क्या हुआ कि उनको क्या राजशाही की गद्दी से हटाने वाली जो क्रांति का झंडा पेट्रोनाथ की जनता के हाथों में था जो क्रांति का झंडा था वो पेट्रोनाथ की हाथों में था वो झंडा एंड क्या कहा गया था कि अब यहाँ पे क्या था द वेरी नेक्स्ट डे क्या हुआ था डेलीगेशन पहुंच गई थी सार और मिलिट्री कमांडर ने एडवाइस दिया था सार राजा को कि आप एबेडिक हो जाइए राजगद्दी को छोड़ दीजिए क्या कहा था कि आप एबेडिकेट कर दीजिए राजगद्दी को छोड़ दीजिए ठीक
ठीक है, और राजनीति को उन्होंने कहा कि आप छोड़ दीजिए, दैट ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एबिटेड, उन्होंने उसकी मतलब दार की दार जो राजा थे या दिसार आपके बुक में लिखा है ठीक है, इनकी इनकी बात मान ली, क्या हुआ इनकी बात मान के सेकेंड मार्च को ही इन्होंने क्या कर दिया, सेकेंड मार्च को ही इन्होंने राजगद्दी छोड़ दी, सेकेंड मार्च को इन्होंने इस्तीफा दे के राजगद्दी छोड़ दी। और जो सोवियत लीडर थे और जो ड्यूमा लीडर थे उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, मतलब एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाए अपनी कंट्री को रन करने के लिए, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट उन्होंने बनाई, किसने बनाई अपनी कंट्री को रन करने के लिए ठीक है। आज रशिया फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो रशिया का फ्यूचर था वो आप कौन डिसाइड करता था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब डिसाइड करते थे, और इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एंड प्रजा और सरफराज, और ये जो इलेक्शन होते थे वो किस पे बेस थे, यूनिवर्सल एडल्ट सरफराज पे बेस थे, यूनिवर्सल एडल्ट सरफराज पे बेस्ड थे ठीक है। और इसमें क्या था कि अगर आपकी 18 ईयर से ज़्यादा उम्र है तो 18 ईयर से या उससे ज़्यादा उम्र है तो आप वोट कास्ट कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, वोट कास्ट कर सकते हो। आज पेट्रोग्राड हैड लेड द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, पेट्रोग्राड में क्या हुआ, हटाने वाले पेट्रोग्राड हैड लेड द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917, तो पेट्रोग्राड ने क्या किया था, फेब्रुअरी 1917 में जो फेब्रुअरी 1917 में मोनार्की को गद्दी से हटाने वाले क्रांति ठीक है, पेट्रोग्राड की जनता के हाथों में था ठीक है। पेट्रोग्राड हैड लेड द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, पेट्रोग्राड ने क्या किया था, लीड किया था फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन को, उसने क्या किया था, उसने लीड किया था फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन को, और दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की, और वो जो चीज़ थी वो ब्रॉट डाउन किया, उसके बाद क्या हुआ, मोनार्की को ब्रॉट डाउन किया गया फेब्रुअरी 1917 में, मोनार्की को बॉर्ड डाउन किया गया, मोनार्की को हटा दिया गया फेब्रुअरी 1917 में मोनार्की को हटा दिया गया। हाँ दैट इज आर फर्स्ट टॉपिक इज, हम अपना पहले फर्स्ट टॉपिक इसका पढ़ते हैं, आफ्टर दैट ये जितनी भी चीज़ें हमने लेफ्ट की है उसको एक एक करके पढ़ेंगे ठीक है, जितनी भी चीज़ें हमने लेफ्ट की है उसको क्या करेंगे, एक एक करके उसको फिर रीड करेंगे। आर दैट हाँ, अब हमारा टॉपिक क्या आया था, दैट इज हमारा टॉपिक था आफ्टर फेब्रुअरी, हमारा टॉपिक क्या था आफ्टर फेब्रुअरी, अब हम आफ्टर फेब्रुअरी के बारे में पढ़े, दैट इज फेब्रुअरी के बाद क्या हुआ था, फरवरी के बाद क्या हुआ था। एंड आर्मी ऑफिशियल लैंड ओनर एंड इंडस्ट्रियल वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो आर्मी ऑफिशियल थे, जो आर्मी ऑफिशियल थे, लैंड ओनर थे एंड जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, क्या किया उन्होंने, वो इन्फ्लुएंस थे किससे, प्रोविजनल गवर्नमेंट से कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस थे ठीक है। आर्मी आप कह सकते हो कि जो हमारी हमने जो गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनाई थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो हमने बनाई थी वो हमारे किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, आर्मी ऑफिसर से एंड लैंड ओनर और इंडस्ट्रियलिस्ट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ठीक है। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, लेकिन बट द लिबरल एंड क्या हुआ कि
but the liberal as well as socialist, देखो liberal और as well as जो socialist थे among them, अब उन्हीं में से जो थे liberal और socialist work towards an elected government, और उन्होंने क्या कर दिया कि जल्दी से जल्दी जो लिबरल थे और जो सोशलिस्ट थे वो वर्क टूवर्ड, मतलब वो चाहते थे कि ये लोग वर्क टूवर्ड करें और गवर्नमेंट को जल्दी से इलेक्ट करें, वो वर्क करें और गवर्नमेंट को क्या करें जल्दी से इलेक्ट करें, ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करें जल्दी से इलेक्ट करें। आज गवर्नमेंट को इलेक्ट करें। रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वर रिमूव, जो रेस्ट्रिक्शन थे पब्लिक मीटिंग में, जो रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे पब्लिक मीटिंग में, जितने रेस्ट्रिक्शन थे उसको क्या किया गया था उनको, और एसोसिएशन पे जो रेस्ट्रिक्शन लगे थे उनको क्या किया गया था, पब्लिक मीडिया एसोसिएशन पे उन सबको हटा दिया गया था, ठीक है, जो पब्लिक मीटिंग्स पे, पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन पे जो पाबंदियाँ लगी थी उनको क्या किया गया था, उनको हटा लिया गया था, हाँ उनको हटा लिया गया था। सोवियट जो थे, सोवियट लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत, ठीक है, सोवियत लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत वर सेटअप अप एवरीवेयर, मतलब पेट्रोग्रेड सोवियत को हर जगह पे सेटल कर दिया गया, ठीक है, पेट्रोग्रेड सोवियत की तर्ज पर सब जगह क्या किया गया, ठीक है, लाइक देखो सोवियत को पेट्रोग्रेड सोवियत की जगह पे हर जगह सेटअप कर दिया गया, तो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलो, और फिर नो कॉमन इलेक्शन वॉज फॉलो, और कोई कॉमन इलेक्शन मतलब फॉलो नहीं किया जा रहा था, नो कॉमन इलेक्शन वॉज फॉलो, कोई कॉमन इलेक्शन क्या किया जा रहा था, फॉलो नहीं किया जा रहा था। नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कोई कॉमन सिस्टम इलेक्शन का फॉलो नहीं हो रहा था, सोवियत को ही हर जगह क्या किया गया था, सेटअप कर दिया गया था, सोवियत को हर जगह सेटअप कर दिया गया था। आज दैट इज इन अप्रैल 1917, और अप्रैल 1917 की अगर बात करें, इन अप्रैल 1917, इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर व्लादिमीर, ठीक है, इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया, वो काबे रिटर्न हुए, वो रशिया में रिटर्न होकर आए, समय एक्साइल, अपने एक्साइल से वो रिटर्न होकर कहाँ पर आए थे, वो रशिया में रिटर्न होकर आए थे। और ही एंड बोल्शेविक, ही एंड द बोल्शेविक हैड अपोज द वॉर सिंस 1940, और ही और जो बोल्शेविक थे वो अपोज करते थे वॉर को, ठीक है, वो अपोज करते थे वॉर को, उन्होंने 1914 में भी जो वॉर हुआ था उसका विद्रोह कर रहे थे, क्या किया था इन्होंने, उसका भी विद्रोह किया था, हाँ उसका भी विद्रोह इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। आप देखें अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों,
अप्रैल 1917 में क्या हुआ था? बोल्शेविकों के जो लीडर थे उनका लीडर कौन था, उनका नेता कौन था? व्लादिमीर थे, ठीक है। उनका नेता कौन था? व्लादिमीर लेनिन थे। उन्होंने क्या कहा था? व्लादिमीर लेनिन थे, ठीक है। वो रूस लॉर्ड थे, ठीक। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वो कहाँ लौट गए थे? रूस लौट गए थे, ठीक है। वो कहाँ लौट गए थे? रूस लौट गए थे, समित एक्सर, मतलब यहाँ से वो रूस लौट गए थे लेनिन के नेतृत्व में। और ही एंड क्या हुआ था कि लेनिन के लीड में बोल्शेविको 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे, ठीक है। अब क्या था कि ही, देखो ये जो लेनिन थे और जो आपके बोल्शेविक थे, जो लेनिन थे और जो आपके बोल्शेविक थे, वो अपोज कर रहे थे वॉर को, वो अपोज कर रहे थे वॉर को 1914 से। वो क्या कर रहे थे? वो अपोज कर रहे थे वॉर को 1914 से। और नाउ ही फेल्ट इट वॉज टाइम फॉर सोवियत। और अब उन्हें क्या लगने लगा था? नाउ ही फेल्ट, अब उन्हें ये लगने लगा था कि इट वॉज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर। और उन्हें ये लगने लगा था कि अब उनका कहना था कि अब सोवियत को, मतलब सोवियत को क्या करनी चाहिए? पावर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। सोवियत को क्या करनी चाहिए? पावर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। आज लेनिन ने बयान दिया, ठीक है, पावर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। नाउ, ठीक है, आज ही डिक्लेयर दैट द वॉर बी ब्रॉट टू अ होल्ड। उसने क्या डिक्लेयर किया? उनका कहना था, लेनिन ने बयान दिया कि जो युद्ध था वो समाप्त किया जाए। लेनिन ने क्या कहा कि जो लड़ाइयाँ हैं इसको क्या किया जाए? इसको एंड किया जाए, इन लड़ाइयों को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। आज इन लड़ाइयों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। इन लड़ाइयों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, लेनिन कहते थे, ठीक है। ब्रॉड टू द क्लोज, लैंड भी ट्रांसफर टू द पीसेंट, और जो लैंड है वो पीसेंट के हाथों को में दे दिया जाए, ठीक है। जो ज़मीन है वो किसानों के हवाले की जाए, जो ज़मीन है किसानों के हवाले कर दी जाए। और बैंक भी नेशनलाइज, और जो बैंक है वो क्या किया जाए? बैंकों को नेशनलाइज किया जाए। बैंकों को क्या किया जाए? नेशनलाइज किया जाए। बैंकों को नेशनलाइज किया जाए। दीज थ्री डिमांड, कौन कौन सी उनकी डिमांड थी? उनकी कौन कौन सी डिमांड थी? पहले उनकी डिमांड क्या थी? ही डिक्लेयर दैट द वॉर तो क्लोज हो गया है। तो उन्होंने कहा वॉर को क्लोज किया जाए। उन्होंने कहा कि वॉर को अब पूरी तरह से क्लोज किया जाए। और लैंड भी ट्रांसफर टू दी पीसेंट, और लैंड को ट्रांसफर किया जाए। लैंड को किसको दे दिया जाए? लैंड को ट्रांसफर करके, मतलब पीसेंट्स को लैंड को दे दिया जाए। और बैंक भी नेशनलाइज, और बैंक को क्या किया जाए? नेशनलाइज कर दिया जाए, ठीक है। एक यूथ को रोक दिया जाए और लैंड को ट्रांसफर कर दिया जाए। लैंड को किसानों को दे दिया जाए, लैंड को क्या किया जाए? किसानों को दे दिया जाए। और बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाए, बैंक को क्या किया जाए? नेशनलाइज। दी थ्री डिमांड फॉर लेनिन अप्रैल ठीक है। और ये जो तीन डिमांड थी, ये तीन मांगों को, तीन डिमांड को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ये तीन डिमांड को किस नाम से जाना जाता है? अप्रैल थीसिस के, लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। लेनिन की अप्रैल
थीसिस के नाम से इन सारी डिमांड को जाना जाता है। आज दैट ही ऑल्सो आर्गुड दैट द बोल्शेविक पार्टी ने क्या कहा, उसने आर्गू ही ऑल्सो आर्गुड दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। रेडिकल एम्स, अब इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने ये भी आरोप किया, मतलब ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। उन्होंने क्या सजेशन दिया, उन्होंने आरोप मतलब सजेशन क्या दिया था कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसका रीनेम कर दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी का क्या किया जाए, रीनेम कर दिया जाए। और रीनेम करने के बाद एक मतलब उसे क्या कर दिया जाए, कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया जाए, रीनेम कर दिया जाए और उसे कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया जाए। और टू इंडिकेट मतलब इसके न्यू रेडिकल एम्स को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, न्यू रेडिकल मतलब इंडिकेट न्यू रेडिकल एम्स को इंडिकेट करने के लिए ये कदम उठाया गया था, ठीक है, ये कदम उठाया गया था। आज दैट मोस्ट अदर इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज बाय द अप्रैल थीसिस। और क्या था, मोस्ट अदर थे बोल्शेविक पार्टी के, क्या हुआ था, मोस्ट अदर इन द बोल्शेविक पार्टी, उन्होंने बोल्शेविक पार्टी के जो मोस्ट अदर इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज बाय द अप्रैल थीसिस, वो इनिशियली सरप्राइज थे अप्रैल थीसिस से, वो क्या थे, इनिशियली सरप्राइज हो गए थे अप्रैल थीसिस से। आज जो मोस्ट ऑफ द पर्सन थे, ठीक है, बोल्शेविक पार्टी में जो ज़्यादातर लोग थे वो क्या, अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर उन्हें काफ़ी हैरानी हुई थी। अप्रैल थीसिस के बारे में उन्हें काफ़ी हैरानी हुई थी सुन के। और अप्रैल थीसिस क्या थे, वो तीन पार्ट थे, रादर कौन कौन सा था कि हमें जीत को बंद कर देने चाहिए, थ्री डिमांड थे, सेकेंड लैंड को पीसेंट्स को दे देना चाहिए, पहले हमें इस युद्ध को बंद करना चाहिए, फिर लैंड को पीसेंट्स को दे देना चाहिए, लैंड को किसको देना चाहिए, हमें पीसेंट्स को दान में, पीसेंट्स के लैंड को दे देना चाहिए, और बैंक्स को क्या करना चाहिए, नेशनलाइज कर देना चाहिए, बैंक्स को क्या करना चाहिए, नेशनलाइज कर देना चाहिए। आज ठीक है, और सब लोग सरप्राइज से अप्रैल थीसिस से, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ दी मेंबर थे बोल्शेविक पार्टी के वो सरप्राइज थे अप्रैल थीसिस से। और दे थॉट दैट द टाइम वॉज नॉट येट राइट फॉर अ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, और दे थॉट दैट वो सोच रहे थे कि उन्होंने सोचा, दे थॉट दैट उन्होंने क्या सोचा, दे थॉट दैट सेकेंड कि ठीक है, दे थॉट दैट द टाइम वॉज नॉट येट राइट फॉर द टाइम वॉज नॉट येट राइट फॉर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, ठीक है, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड, ठीक है, बट द डेवलपमेंट्स ऑफ दी सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड।